बायोलॉजी स्पेशल क्लासों के लिए सब्सक्राइब करें जूलॉजी विद अंकिता मैम यूट्यूब चैनल को। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, तो स्टूडेंट्स, लॉकडाउन क्लासेस के अंतर्गत हम जो कर रहे थे, हमारी क्लासेस निरंतर लॉकडाउन के अंदर जारी है, जिससे आपका अध्ययन जो है वो सुचारू रूप से बना रहे। इससे पहले स्टूडेंट्स, हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो हमारा चल रहा था टिश्यू, एनिमल टिश्यू के बारे में हमने चर्चा कर रहे थे। इससे पहले एनिमल टिश्यू पर पहला लेक्चर आया था, जिसमें हमने एपिथेलियल टिश्यू की बात की थी। इसके बाद में स्टूडेंट्स, मेरा दूसरा लेक्चर आया था, जिसमें हमने कनेक्टिव टिश्यू और गैप जंक्शंस पे बात की थी। अब हम तीसरे लेक्चर के माध्यम से हम आगे के टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू को इस लेक्चर के अंतर्गत कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थी जो हैं वो आई होप क्लास के अंदर मौजूद हो गए होंगे। अगर नहीं हुए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने सहपाठियों को इस क्लास से जोड़ें, ताकि लॉकडाउन की क्लासेस का सभी जो है फ़ायदा उठा सके। ठीक है, तो क्लास की ओर बढ़ते हैं। एनिमल टिश्यू पर हम चर्चा करते हैं। तो हमारा जो टिश्यू आना है बच्चों, अब मस्कुलर टिश्यू, तीन नंबर टिश्यू पर हम बात कर रहे हैं, मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, मस्कुलर टिश्यू को पढ़ने से पहले हमें मसल्स के बारे में जान लेना जरूरी है, क्योंकि मस्कुलर टिश्यू जो है इसका निर्माण मसल्स से होता है, ये मसल से मिलकर बना होता है। मसल्स हमारे शरीर के अंदर एक ऐसी सेल है जो कॉन्ट्रैक्शन की योग्यता रखती है, यानी कि वो सिकुड़ सकती है और रिलैक्स हो सकती है। ऐसी योग्यता रखने वाली सेल जो है वो क्या है, मसल्स है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं विद्यार्थियों, मैं जो बोल रही हूँ, ये मेरे चेहरे की जो मोमेंट हो रही है, ये क्या है, ये मसल्स का रिजल्ट है। ठीक है, मेरे हाथ इस तरह मोमेंट कर रहे हैं, ये मसल्स का रिजल्ट है। ठीक है, मैं एक जगह से दूसरी जगह चल रही हूँ, यानी कि लोकोमोशन कर रही हूँ, मेरे स्थान में परिवर्तन हो रहा है, वो मसल्स के कारण हो रहा है। तो हमारे जीवन के अंदर मसल्स को कह सकते हैं। हमारी बॉडी जो है ना बच्चों, अगर हम बॉडी की बात करें, इन मसल्स पर न्यूरॉन्स कंट्रोल रखती है, बिल्कुल रखती है। ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसे पढ़ाना बोलना ये मेरी इच्छा हुई है, मैंने सोचा है, ब्रेन से एक निर्देश मिला है, उस निर्देश के अकॉर्डिंग मैंने काम किया है, यानी न्यूरॉन्स का कंट्रोल रहता है मसल्स के ऊपर। ठीक है, न्यूरॉन्स क्या करती है, मसल्स पर कंट्रोल करती है, और फिर मसल्स हमारी बॉडी को कंट्रोल, बॉडी को किस तरह मूवमेंट करवाना है, लोकोमोशन करवाना है, उस चीज़ों को ये सुचारू रूप से करवाती है। अगर हम बात करें बच्चों, हमारी बॉडी के हमारा बॉडी सिस्टम किसके ऊपर काम करता है, हमें कौन नचाता है, तो हमारे शरीर के अंदर दो प्रकार के तंत्र है, सिस्टम है, जो हमारी बॉडी को नचाते हैं। नचाते इन द सेंस, सारा विल पावर जो है करने को उतारू होता है। तो वो दो तरह के सिस्टम है, एक नर्वस सिस्टम है बच्चों, और दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम। ये दो ही सिस्टम ऐसे हैं जो हमारी बॉडी को इस तरह की एक्टिविटी करवाने में मदद करते हैं। ठीक है, और मसल्स को मैंने बताया, ये न्यूरॉन्स की, ये नर्वस सिस्टम की निर्देशों के अनुसार जो है ये कार्य करती है। ठीक है, तो हम इसका काम लिखेंगे कि ये लोकोमोशन करवाती है बच्चों, और ये मूवमेंट में सहायता करती है। ठीक है, लोकोमोशन और मूवमेंट के लिए क्या है, जरूरी है मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, अब लोकोमोशन और मूवमेंट के अंदर आपको अंतर पता है, अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। अगर बॉडी का कोई पार्ट्स हिल रहा है, बॉडी का कोई पार्ट्स हिल रहा है, तो वो मूवमेंट है बच्चों, ये इधर से इधर हो रहा है, ये मूवमेंट है। ठीक है, अगर मेरी पैर की मसल्स गति कर रही है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर मुझे ले जा रही है, तो वो है लोकोमोशन। यहाँ पर शब्द आ रहा है लोकेशन, यानी कि लोकेशन में चेंज होना वो क्या है, लोकोमोशन है। यानी कि वूल बॉडी, पूरी बॉडी अगर हमारी जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, यदि लोकेशन में चेंज आता है, तो वो क्या है, लोकोमोशन है। दोनों ही किसके रिजल्ट है, दोनों ही मस्कुलर टिश्यू के रिजल्ट है। देखा है, इसके बाद में अगर हम बात करें तो मस्कुलर टिश्यू क्या कर सकता है, मस्कुलर टिश्यू कर सकता है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन की एबिलिटी होती है। ठीक है, ये रिलैक्स हो सकता है,
ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन भी कर सकता है और रिलैक्सेशन भी कर सकता है। अब कैसे कॉन्ट्रैक्शन करेगा, कैसे ये रिलैक्स होएगा, कुछ टर्म्स आती है बच्चों, जो टर्म्स हम यूज करते हैं, सेल जो है डीपोलराइज्ड हो गई, सेल पोलराइज्ड हो गई, ये चीजें क्या है, ऐसा तो नहीं है कोई करंट है, ऐसा क्या सिस्टम हो रहा है बॉडी के अंदर जो सेल डीपोलराइज्ड हो रही है। ये शब्द जो है आप नर्वस टिश्यू आगे पढ़ोगे या कोई भी आप लोकोमोशन मूवमेंट वगैरह पढ़ोगे वहां भी ये शब्द आपको परेशान करेंगे, इसलिए इस शब्दों को हम यहीं क्लियर कर देते हैं। हमारे पास समय है तो हम टॉपिक को अच्छे तरह से क्लियर करेंगे, ठीक है। तो सुनो बच्चों, अब कॉन्ट्रैक्शन की बात करें, हम मैंने आपको बताया कि हमारी जो बॉडी वर्क करती है, हमारी मसल्स जो वर्क करती है वो किसके निर्देश पर वर्क करती है, वो न्यूरॉन्स के निर्देश पर काम करती है। ये कोई न्यूरॉन्स है, ठीक है, दिख रहा है, ठीक है, ये बच्चों को एक न्यूरॉन्स है ना। अब ये न्यूरॉन्स क्या कर रही है, ये किसी मसल्स को निर्देश दे रही है। ये मान लीजिए कोई मसल्स है, ये क्या है, कोई आपकी मसल है, मसल सेल है, ठीक है। अब जब भी कोई न्यूरॉन एक्साइटेड होती है तो न्यूरॉन एक्साइटेड होने के बाद में न्यूरॉन थूकती है, एक केमिकल थूकती है जिसको कहा जाता है न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। अब ये यहाँ पर जो बन रहा है बच्चों, कई जगह आप क्या कह देते हो, इसको सिनेप्स कह देते हो, लेकिन नहीं, जब न्यूरॉन्स के बीच में और मसल्स के बीच में जंक्शंस बन रहा है तो उसको सिनेप्स नहीं कहना है, उसे हमें कहना है NMJ, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। BSc सेकेंड ईयर में इस पे प्रश्न भी आया हुआ है NMJ क्या है, तो ये क्या है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है जो न्यूरोन और मसल सेल के बीच में बन रहा है, ठीक है, और न्यूरॉन न्यूरॉन के बीच में जो बनता है वो सिनेप्स होता है, ठीक है। अब जैसे ही कोई न्यूरॉन एक्साइटेड होती है तो बच्चों वो क्या करती है, वो एक केमिकल थूकती है, न्यूरोट्रांसमीटर थूकती है, ठीक है। लेकिन मसल्स जब एक्साइटेड होती है तो वो क्या करती है, वो थूकती नहीं है, वो क्या करती है बच्चों, वो कॉन्ट्रैक्शन करती है। ये सबसे मेजर डिफरेंस है न्यूरॉन में और मसल्स के अंदर। वैसे तो डिफरेंस आपको भी पता है, न्यूरॉन अलग चीज है, मसल्स अलग चीज है, लेकिन एक्साइटेड स्टेज के अंदर इनमें अगर अंतर देखें तो ये क्या करती है, केमिकल रिलीज करती है और वो क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शन करती है, सिकुड़ती है, ठीक है। अब देखो ये एक्साइटेड हुई बच्चों तो इसने क्या कर दिया, यहां पर केमिकल रिलीज कर दिया, ठीक है, और ये केमिकल को एक्सेप्ट करने के लिए प्रत्येक सेल के ऊपर, प्रत्येक मसल सेल के ऊपर विशिष्ट रिसेप्टर लगे रहते हैं। यहां पर बच्चों क्या लगे हुए हैं, रिसेप्टर लगे हुए हैं, ये सेल के ऊपर क्या लगे हुए हैं, रिसेप्टर लगे हुए हैं। ये रिसेप्टर क्या करते हैं, जैसे ही इनके पास ये केमिकल आता है तो ये केमिकल को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये केमिकल को इन्होंने क्या कर लिया, पकड़ लिया, ठीक है, इस केमिकल को क्या कर लेते हैं, ये पकड़ लेते हैं। और केमिकल को पकड़ने से क्या होता है बच्चों, इसके अंदर यूं मान लो कि कोई सेल जो होती है ना, नॉर्मल स्टेज के अंदर होती है सेल, तो जैसे आपने मक्की देखी है, मक्की का भुट्टा देखा है, उसके ऊपर सोडियम लगा रहता है तो वो नॉर्मल स्टेज है, हम बढ़िया है, हम भुट्टा खा रहे हैं, ठीक है, वो हमारी नॉर्मल स्टेज है। लेकिन जब एक्साइटेड स्टेज आती है किसी मसल्स की, देन क्या होता है, भुट्टा मतलब नमक, वहां पर ऊपर नमक लगा हो उसको हम सोडियम कह रहे हैं। अब ये एक्साइटेड होने के बाद में, ये रिसेप्टर एक्साइटेड होने के बाद में यहां से सोडियम इस सेल के अंदर एंटर करता है, क्या करता है बच्चों, यहां से सोडियम एंटर करता है। और जब भी किसी सेल के अंदर सोडियम एंटर करता है तो वो सेल क्या होती है, डीपोलराइज्ड होती है, उसका क्या होता है, डीपोलराइजेशन होता है, क्या होता है, डीपोलराइजेशन होता है। और ये डीपोलराइजेशन क्या करवाता है, सेल को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, सेल को का कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, ठीक है। अब ये सेल क्या होती है, सिकुड़ती है, सेल सिकुड़ती है तो बच्चों क्या होता है, सेल एक्साइटेड स्टेज में ये हमें पता चलता है, अब ये सेल ऐसी थी ना बच्चों, ये सिकुड़कर क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, ये सेल क्या हो जाएगी, सिकुड़कर छोटी हो जाएगी,
ठीक है, ये क्या है, कॉन्ट्रैक्शन है जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के थ्रू होता है। ठीक है, अब एक चीज मैं बता दूं, हमारी बॉडी के अंदर दो ही टिश्यू ऐसे हैं जो एक्साइटेबल होते हैं, एक तो मसल्स और दूसरा न्यूरॉन्स। दो ही सेल्स ऐसी हैं जो कॉन्ट्रैक्शन यानी एक्साइटेड यानी एक्साइट होने की, उत्तेजित होने की प्रवृत्ति रखती हैं, वो दो ही सेल हैं, एक तो मसल्स है और दूसरी क्या है, न्यूरॉन्स है। ठीक है, इससे आगे हम चलते हैं। अब देखो क्या होता है कि यहाँ पर ये सोडियम जब एंटर होता है ना बच्चों, ठीक है, ये सोडियम यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है इनकी, मसल सेल की, ठीक है, यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी क्या करती है, इस एक्साइटेड स्टेज में यहाँ से कैल्शियम रिलीज कर देती है, कैल्शियम को बाहर निकाल देती है। ठीक है, कैल्शियम का बाहर निकलना भी डीपोलराइजेशन है, यहाँ से ये कॉन्ट्रैक्शन को प्रेरित करता है, लेकिन जब सेल वापस रिलैक्स होगी तो सारा सिस्टम वापस फिर से सही हो जाएगा, जो कैल्शियम बाहर निकला है वो फिर से अंदर आ जाएगा, जो सोडियम घुसा है वो फिर से बाहर चला जाएगा, रिसेप्टर फिर से इनएक्टिव हो जाएंगे, तो वापस सेल मसल सेल उसी स्थिति में आ जाएगी। तो ये है मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, इससे आगे का टॉपिक देखते हैं। अब देखो हमारी बॉडी के अंदर अगर हम लेकर चले तो हमारी बॉडी के अंदर अगर ये मसल्स है, इस पर कंट्रोल न्यूरॉन का रहता है, आपको पता है न्यूरॉन जो है बॉडी के अंदर तीन प्रकार की है, तीन प्रकार की न्यूरॉन है। इसको कैसे समझोगे आप, इसको भी एक अच्छे से एग्जाम्पल से समझाते हैं। न्यूरॉन मतलब शरीर का कंट्रोल कोऑर्डिनेशन। जैसे अब यहां से किसी ने आपका गाल यूं खींचा, अब इस गाल को खींचने पर जिसने ये सेंस का पता लगाया कि तेरे साथ इस तरह की एक्टिविटी हुई है, वो न्यूरॉन होती है बच्चों सेंसरी न्यूरॉन। कौन सी न्यूरॉन होती है? सेंसरी न्यूरॉन। अब ऐसा तो है नहीं कोई आपका गाल खींच रहा है, कंटिन्यू खींच रहा है, आप उसको कुछ नहीं कहोगे। थोड़े समय के बाद में ये सेंसरी न्यूरॉन से निर्देश जाएगा आपके ब्रेन तक, और ब्रेन क्या करेगी, या तो इस पर निर्णय करेगी, यहाँ पर एनालाइजर न्यूरॉन होती है कुछ, ठीक है, सेकंड हम कह सकते हैं एनालिसिस करने वाली न्यूरॉन, ठीक है, एनालाइजर न्यूरॉन कह सकते हैं, और वहां से एनालाइजर न्यूरॉन जो है वो निर्देश देगी मोटर न्यूरॉन को, और मोटर न्यूरॉन आकर कह क्या कहेगी, छठ हाथ को या तो आप साइड कर दोगे, यानी कि ब्रेन भी सोचता है, सामने वाला अगर बच्चा है तो आप उसका हाथ हटा दोगे या उसको डांट लगा दोगे, अगर ये आपकी कोई जैसे टीचर है वो आपका प्यार से गाल खींच रही है तो आप उसको इस तरह की एक्टिविटी नहीं करोगे। तो कहने का मतलब हमारे न्यूरॉन्स और ब्रेन का एक अच्छा कोऑर्डिनेशन है जिससे हम हमारे बिहेवियर को कंट्रोल रखते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर सेंसरी एनालाइजर और थर्ड न्यूरॉन मैं बताती हूँ वो होगी मोटर न्यूरॉन। ठीक है, इस तरह न्यूरॉन्स भी क्या होती है, तीन प्रकार की होती है। चलिए ये सिस्टम हम आगे देखेंगे, और देखिए आगे हम बात करते हैं किसकी, मस्कुलर टिश्यू के बारे में। ये मस्कुलर टिश्यू जो है ये कितने प्रकार का हो सकता है, दिख रहे हैं? ठीक है, मस्कुलर टिश्यू जो है बच्चों, मसल्स जो हो सकती है वो आपकी दो प्रकार की हो सकती है, वॉलेंट्री मसल्स और दूसरी हो सकती है इनवॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री मसल्स हो सकती है और दूसरी क्या हो सकती है, इनवॉलेंट्री मसल्स हो सकती है। ठीक है, अब देखो वॉलेंट्री मसल्स क्या होती है, जिनको आप अपनी मर्जी के अनुसार मूव करवा सकते हो वो क्या है, वॉलेंट्री मसल्स है, और जिनको आप अपनी मर्जी के अनुसार मूव नहीं करवा सकते वो इनवॉलेंट्री मसल्स है। जैसे मैं अपनी आईलिड्स को इस तरह पलकों को झपका सकती हूँ तो वो किस प्रकार की मसल्स है, वॉलेंट्री मसल्स है। ठीक है, मेरे विसेरल ऑर्गन बोले तो कोई भी अंदर का ऑर्गन, जैसे मैं ये तो नहीं सोच सकती अब मैं मेरी हार्ट को जो है ये 75 मिनट प्रति मिनट की रफ्तार से ये बीट करता है, मैं तो आज इसको 100 की रफ्तार से बीट करवाऊंगी, बहुत सारी ऑक्सीजन वगैरह ब्लड वगैरह फ्लो करवाऊंगी, नहीं। हाँ कोई सिचुएशन अगर ऐसी आ जाए तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो सकता है, लेकिन बेसिकली ऐसा नहीं हो सकता, हम हमारी मर्जी के अनुरूप ऐसा नहीं करवा सकते। कोई व्यक्ति अपने
इस तरह अपने विसेरल ऑर्गन को, अगर ले हम यूरिनरी ब्लेडर को कि आज तो मैं अपना यूरिनरी ब्लेडर जो है पिचका के सारा एक साथ ही एक्सक्रेट कर दूँगा, तो ऐसा भी हम नहीं कर सकते। उसकी निश्चित कैपेसिटी है, वो जितना उस टाइम में होना है वो उतना ही होगा, आप अपनी मर्जी से नहीं करवा सकते। तो वो इनवॉलेंट्री मसल्स है, और वॉलेंट्री जिसको आप मर्जी के अनुसार मूव करवा सकते हो। बोन से जुड़ी हुई जितनी भी मसल्स हैं, एक मिनट, कल का टॉपिक करवाया हुआ है बच्चों, बताइए ना, बोन को मसल्स से जोड़ने वाले जोड़ को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? MTB टेंडन कहा जाता है ना, ठीक है, बोन को मसल से जोड़ने वाला, ठीक है। तो हम क्या है, बोन्स की जितनी भी मसल्स होती है बच्चों, वो सारी की सारी क्या है, वॉलेंट्री है। और बाकी जो है, जैसे हार्ट की मसल्स है, विसेरल ऑर्गन्स, आंतरांगों, अंदर वाले ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन की जो मसल्स है, वो सारी की सारी क्या है, इनवॉलेंट्री प्रकार की मसल्स होती है, ठीक है। अब एक बात बताऊं, एक एग्जांपल और बताती हूँ, पैरास्टाइलेसिस। अब ऐसा नहीं ना कोई भी व्यक्ति अपना पैरास्टाइलेसिस अपनी मर्जी से कर सके। पैरास्टाइलेसिस बोले तो अपनी जो आहार नाल है इसमें रिदमिक इस तरह है, कॉन्ट्रेक्शन वगैरह, कर्माकुंचन, ऐसा तो नहीं है कोई व्यक्ति सोचे अब तो मेरा अमाशय से मैं इस तरह पैरास्टाइलेसिस करवा के इसको स्टमक से भोजन को मैं डायरेक्ट छोटी आंत में भेज दूंगा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जल्दी जल्दी मैं फ्लो करवा दूंगा, मैं आज मेरा काम अभी यहीं खत्म कर लूंगा, मुझे ये इतना घंटे वाला समय नहीं लगाना, ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते। ये एक निश्चित प्रोसेस है, उन दोनों से हमें गुजरना पड़ेगा। तो पैरास्टाइलेसिस हम नहीं करवा सकते, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल की जो मूवमेंट है हम अपनी मर्जी से नहीं करवा सकते। एक प्रश्न आया था बच्चों पीछे नेट के अंदर आया था कि एब्डोमिनल जो लेयर है वो किस प्रकार की मसल्स है, वॉलेंट्री है या इनवॉलेंट्री है। एब्डोमिनल मतलब पेट की किस प्रकार की, एब्डोमिनल से पेट वाला समझना, कई बच्चे क्या करते हैं आहार नाल वाला समझ लेते हैं, एलिमेंट्री कैनाल वाला समझ लेते हैं। तो एब्डोमिनल वाली कैसी है, आपको लगेगा कि वॉलेंट्री है, हम अपनी मर्जी से पेट की मसल्स को नहीं मूव करवा सकते, लेकिन नहीं, बेली डांसर करवा लेते हैं ना, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। तो ये मसल्स कैसी है, इनवॉलेंट्री मसल्स है एब्डोमिनल की, ठीक है। अब और अगर हम बात करें इनकी डीप स्ट्रक्चर्स की बात करें हम वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री की, चलो कर लेते हैं, टॉपिक को शुरू ही कर लिया है तो चलिए। देखिए वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री दो प्रकार की बताई मैंने, और दूसरा इनवॉलेंट्री मसल्स, ठीक है, ये दो प्रकार की मसल्स बताई। इसमें बच्चों याद रखना बोन्स वाली, ठीक है, जिनको हम मर्जी से मूव करवा सकते हैं, और इनमें विसेरल ऑर्गन की मसल्स, एब्डोमिनल लेयर की मसल्स, ठीक है, इनवॉलेंट्री मसल्स। एक मिनट, एब्डोमिनल की वॉलेंट्री है बच्चों, पीछे मैंने क्या बताया, मर्जी के अनुसार मूव करवा सकते हैं, तो ये क्या है, एब्डोमिनल लेयर, मर्जी के अनुसार मूव करवा सकते हैं, बस थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है। विसेरल ऑर्गन हो गया बच्चों इसमें, और बाकी अगर बात चले इनवॉलेंट्री कार्डिक भी इसका एग्जांपल ले सकते हैं हम, हार्ट का है वो भी क्या है, इनवॉलेंट्री, हार्ट वाली को भी हम अपनी मर्जी के अनुसार जो है मूव नहीं करवा सकते। अब बच्चों ठीक है, अब इससे आगे हम बात करें इस टॉपिक को और डिटेल के अंदर बात करें, वॉलेंट्री की स्ट्रक्चर में देखो तो वॉलेंट्री की एक मसल सेल बना रही हूँ, ठीक है, ये मान लीजिए वॉलेंट्री की एक मसल सेल है। इसमें क्या होता है बच्चों, थोड़ी थोड़ी देर में दूर में इस तरह लाइट बैंड डार्क बैंड, लाइट बैंड डार्क बैंड, इस तरह बैंड्स मौजूद होते हैं, ठीक है, ये एक मसल सेल है बच्चों, इसको मसल सेल को क्या कह सकते हैं, मायोफाइबर भी कह सकते हैं, मसल सेल को मायोफाइबर भी कह सकते हैं। और ये जो बीच बीच में मैंने बनाए हैं ये लाइन्स ही है, इस कारण इस मसल्स को स्ट्रेटेड मसल्स भी कहा जाता है। इस कारण इस मसल्स को क्या कहा जाता है, स्ट्रेटेड यानी कि लाइनदार मसल्स भी कहा जाता है, ठीक है। कौन सी मसल्स है, वॉलेंट्री मसल्स है, ठीक है।
अब दूसरी बात बच्चों, ये क्या है, जब बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है तो ये बहुत सारी छोटी छोटी सेल्स जो होती है वो आपस में मिल जाती है और उनके न्यूक्लियस जो है वो फिर इसमें बंट जाते हैं, तो ये पॉली न्यूक्लियेटेड होती है। इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। कैसी होती है? पॉली न्यूक्लियेटेड। कौन सी है? वॉलेंट्री की बात कर रही हूँ। बहुत सारे इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। और इसको क्या कहा जाता है, वॉलेंट्री में इसको सेंसियम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेंसियम। मैं बताती हूँ स्पेलिंग, SYN, दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, एक मिनट साइड में लिखती हूँ। इसको कहा जाता है सेंसियम, SYNCYTIUM, सिंसियम। अब सिंसियम का मतलब क्या होता है? बहुत सारी छोटी छोटी सेल्स, यहाँ दिखा रहे हैं बच्चों, बहुत सारी छोटी छोटी सेल्स जो है वो आपस में मिलकर एक बड़ी सेल बना ले और उनके न्यूक्लियस इस तरह वितरित हो जाए, बंट जाए, तो इस प्रकार की प्रोसेस को सिंसियम कहा जाता है, ठीक है। तो वॉलेंट्री मसल्स का जो निर्माण है वो सिंसियम प्रकार का है, ठीक है। कैसी होती है ये वॉलेंट्री? वॉलेंट्री स्ट्रेटेड होती है, लाइनदार होती है, ठीक है। और पॉलीन्यूक्लियेटेड होती है। सिंसियम इसकी जो है बनने की प्रकार होता है। इसका एग्जाम्पल बताऊँ तो बोन्स आर्म्स की हो गई, लेग्स की हो गई, लिम्स की हो गई। आर्म्स भुजाओं की, लेग पैर की, ठीक है। लिम्स ये इनकी पंजों की, ठीक है। और एबडोमिनल, ये क्या है बच्चों? वॉलेंट्री के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम इनवॉलेंट्री की बात करेंगे। हाँ, ये मिटा दूँ, मिटा देते हैं। अच्छा, पैर वाला भूलना मत बच्चों। पैर, लिम्ब, ये पैर, हाथ पैर, ये जो है ना, ऐसा नहीं है कि कोई भी, मैं अब यहाँ खड़ी हूँ बिना मेरा दिमाग काम ही ना करे, मर्जी से मैं निकल कर कहीं चली जाऊँ। मेरा कंट्रोल है बच्चों, मैं ऐसे कहीं नहीं जा सकती, मेरा कंट्रोल है। उसी तरह आपका भी कंट्रोल है। आप क्लास ले रहे हो तो क्लास ही ले रहे हो, इधर उधर नहीं जाते। पैरों पर कंट्रोल है तो पैर वॉलेंट्री है, ठीक है। तो ये वॉलेंट्री है, इस तरह आप समझ सकते हो इनको। मर्जी के अनुसार, कंट्रोल का मतलब क्या है बच्चों? मर्जी के अनुसार आप चाहकर इनको मूव करवा सकते हो, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं इनवॉलेंट्री की। इनवॉलेंट्री को दो भागों में बांटा गया है। एक है स्मूथ मसल और दूसरा है कार्डियक मसल्स। इनवॉलेंट्री को दो भागों में बांटा गया, स्मूथ मसल्स और कार्डियक। स्मूथ वाली है बच्चों जो इंटरनल ऑर्गन पर पाई जाती है, विसेरल ऑर्गन्स पर पाई जाती है, ठीक है। और कार्डियक जो होती है, जो हार्ट, हार्ट की जो मसल्स होती है वो कौन सी होती है? कार्डियक। दोनों की दोनों ही क्या है? इनवॉलेंट्री है, अपनी अनैच्छिक है, अपनी मर्जी के अनुसार। हिंदी वाले शब्द भी कहिए चाहिए तो लो, अनैच्छिक है, मर्जी के अनुसार इनको मूव नहीं करवा सकते, ठीक है। ये आंतरांग, अंदरूनी अंगों की जो मसल्स है और ये हृदय की मसल्स है, ठीक है। अब देखो बच्चों, इनकी शेप कैसे याद रखनी है आपको, विसेरल की बताती हूँ। विसेरल होती है बिल्कुल आंख के जैसी, इस तरह आंख सी बनानी है। बीच में न्यूक्लियस है, एक ही न्यूक्लियस होता है, ठीक है। ये विसेरल है, एक ही इसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। ये मसल्स कौन सी है? विसेरल मसल्स है, ठीक है। और बात बताओ, यूनि न्यूक्लियेटेड है, एक ही केंद्रक है ना, यूनि न्यूक्लियेटेड, ठीक है, एक ही केंद्रक है, यूनि न्यूक्लियेटेड, ठीक है। स्पेलिंग देख लेना बच्चों, स्पेलिंग कर लेना, ठीक है। यूनि न्यूक्लियेटेड है, केवल इसमें क्या होता है? एक ही न्यूक्लियस होता है। नेक्स्ट अगर बात करें, अनस्ट्रेटेड होती है, किसी भी प्रकार की लाइन बताई क्या मैंने? अरेखित होती है, अनस्ट्रेटेड, STRISTA, अनस्ट्रेटेड होती है, अरेखित होती है। इंग्लिश बच्चों आपको पता ही है मेरी, है ना, चलो कोई ना, ठीक है। ये कैसी होती है? अनस्ट्रेटेड होती है, अरेखित होती है, ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करें कार्डियक मसल्स की, कार्डियक मसल्स होती है एच शेप की, इस तरह, इस तरह
एच शेप की होती है कार्डियक मसल, ठीक है, यानी कि इसको मसल्स को कहा जाता है ब्रांच्ड, ब्रांच्ड होती है, ठीक है, इसकी क्या होती है ब्रांच निकली होती है, तो ये ब्रांच होती है, कई बार इसकी एक ब्रांच में दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं, तो बाई न्यूक्लियेटेड भी इसको माना जाता है और एनसीईआरटी ने इसे यूनी न्यूक्लियेटेड भी माना गया है, ठीक है। अगर आपको यूनी न्यूक्लियेटेड ऑप्शन में मिलता है तो यूनी न्यूक्लियेटेड करेंगे, यदि बाई न्यूक्लियेटेड ऑप्शन में मिलता है तो इसको बाई न्यूक्लियेटेड, यानी कि एक केंद्र की या द्वि केंद्र की प्रकार की ये होती है। इसके बाद में इनके अंदर जो बनता है इस तरह ट्रांसफर होने के कारण मटेरियल ट्रांसफर हो सके इस कारण इनमें गैप जंक्शन बनता है, ठीक है, इनके बीच में क्या बनता है गैप जंक्शन बनता है। अब इन सेल को आपस में होल्ड रखने के कारण, यानी कि ये सेल अलग अलग ना हो जाए, इनको होल्ड रखने के लिए इनके अंदर डेस्मोसोम भी पाया जाता है। डेस्मोसोम एक ऐसा जंक्शन है जो सेल्स को आपस में होल्ड करके रखता है, दो सेल को आपस में होल्ड करके रखता है, ऐसे जंक्शन को डेस्मोसोम कहा जाता है। पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था, तो ये इसमें डेस्मोसोम हो गया, इसमें क्या पाया जाता है गैप जंक्शन पाया जाता है, और इसके अंदर ये थोड़ी थोड़ी स्ट्रेटेड होती है, हल्की हल्की, लेकिन इसको स्ट्रेटेड माना जाता है, हल्की हल्की स्ट्रेटेड होती है, ठीक है, ये धारियां सी फीकी फीकी सी होती है, ठीक है, हल्की स्ट्रेटेड कहा जाता है इसको, ठीक है। बाई न्यूक्लियेटेड ये हो गया, डेस्मोसोम वगैरह ये मैंने आपको बता दिया। तो इस तरह करके बच्चों क्या होता है मसल्स मस्कुलर टिश्यू हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है, जो हमारे शरीर की मूवमेंट और लोकोमोशन को कंट्रोल करता है, ठीक है, इतना क्लियर है, आगे चले। चलिए अब लास्ट हमारा टॉपिक बचता है, वो है बहुत ही छोटा सा है, नर्वस टिश्यू के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि नर्वस टिश्यू अगर आप पढ़ोगे तो नर्वस सिस्टम अगर पढ़ो ना वहाँ ज़्यादा काम आता है, नर्वस सिस्टम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वहाँ पर हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम वो पढ़ते हैं, उसका भी मेरा एक लेक्चर डाला गया है, प्लेलिस्ट में जाइए आप, प्लेलिस्ट में जाकर 12th एनसीईआरटी का जो ऑप्शन है उसको खोलोगे तो उसके अंदर आपको नर्वस सिस्टम का एक लेक्चर मिलेगा, आप उसको लगाइए, वहाँ पर पूरा आपको नर्वस सिस्टम मिलेगा। लेकिन यहाँ मैं सिर्फ नर्वस सिस्टम के बारे में इतना बता दूँ कि नर्वस सिस्टम भी क्या होता है एक्साइटेबल होता है, लेकिन ये एक्साइटेड हो सकता है, कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन नहीं कर सकता, ये एक्साइटेड होकर एक न्यूरोन से दूसरे न्यूरोन पर अपना जो संदेश है मैसेज जो है वो पहुँचा सकता है, किसके जरिए न्यूरोट्रांसमीटर यानी कि केमिकल थूकता है उसके जरिए, ये मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन करवा सकता है, अपना केमिकल मसल्स पर डालकर उसका भी कॉन्ट्रैक्शन करवा सकता है, कौन करवा सकता है न्यूरॉन्स करवा सकता है, ठीक है। बेसिकली अगर हम बात करें ये एक्साइटेबल है कॉन्ट्रैक्टाइबल नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और बेसिकली अगर हम बात करें तो नर्वस टिश्यू जो है वो न्यूरॉन टिश्यू जो है वो दो प्रकार का होता है, एक तो इसमें न्यूरॉन पार्ट होता है, दूसरा होता है न्यूरोग्लिया, एक तो पार्ट हो गया न्यूरॉन और एक है न्यूरोग्लिया, ठीक है, इनके बारे में जान लेना, ये इतना सफिशिएंट है बेटर आपका। न्यूरॉन जो होता है न्यूरॉन खुद एक्साइटेड होती है, न्यूरॉन क्या होती है खुद एक्साइटेड होती है और वर्क करती है, लेकिन न्यूरोग्लिया क्या होती है सपोर्टिंग माना जाता है इसको, ये इसके काम में हेल्प करती है, कौन सी न्यूरोग्लिया, ठीक है, यानी कि हम मान सकते हैं कि हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोले तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो न्यूरॉन्स निकलती है, ब्रेन से निकलती है 12 जोड़ी और स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है 31 जोड़ी, उनको दोनों को मिलाकर, ठीक है, तो वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्रिएट होता है, वो हेल्प करता है हमारा कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए। तो इस प्रकार न्यूरॉन और न्यूरोग्लिया ये दोनों मिलकर हमारे शरीर में कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं, इसके साथ ही बॉडी को नचाने का, बॉडी का कंट्रोल करने का कुछ काम एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा भी किया जाता है, उसके भी कुछ लेक्चर अपलोड है, वो आप बाद में देख लेना, या हम एक वीडियो जरूर बनाएंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के ऊपर भी। तो आज के लिए इस लेक्चर के अंदर हमारा जो है एनिमल टिश्यू वाला टॉपिक जो होता है वो कंप्लीट होता है, आप इसके नोट्स जो है वो बना लें, और पिछले वीडियो के अंदर जिन विद्यार्थियों ने होमवर्क किया था उसके नाम जो है अभी मैं आपके ग्रुप के अंदर सेंड कर देती हूँ, और बने रहने के लिए धन्यवाद।
कोई भी आपका डाउट हो तो कमेंट सेशन में बताना ना भूलें। धन्यवाद स्टूडेंट।